गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अपनी क्लास सेवेंथ की वर्कशीट नंबर 6 जो कि इंग्लिश की है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे को दिया गया है क्वेश्चन, पहला हमारा क्वेश्चन है राइट डाउन 3 थिंग्स दैट आर योर फेवरेट पास्ट टाइम एक्टिविटीज़। मतलब हमें 3 चीज़ें लिखनी हैं जो कि हमें फ्री टाइम में करनी पसंद है। तो मैं आपको इसी में लिख कर दिखाऊँगी, आप नोट साथ साथ नोट करते जाइए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर सकूं या अलग से किसी पेज में दिखा सकूं। तो इसलिए मैं इसी में आपको नोट करके दिखाती हूँ। आप अपने फेवरेट थिंग्स जो आपको फ्री टाइम में करने अच्छे लगते हैं आप लिख सकते हैं। रीडिंग आप फर्स्ट लिख सकते हैं, READING, रीडिंग। डांसिंग DANCING, डांसिंग। और आप लिख सकते हैं और क्रिएटिविटी, मतलब आपको कुछ अच्छी चीज़ें बनाना, कुछ क्राफ्ट बनाना, ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी करनी अच्छी लगती है। तो ये आपका हो गया पहले का आंसर, और ये हो गई हमारी तीसरी क्रिएटिविटी। और साथ में यदि आपको कुछ और भी अच्छा लगता है तो आप क्रिएटिविटी या इनमें से किसी अलग ऑप्शन को हटा के लिख सकते हैं। सिंगिंग, जैसे सिंगिंग भी आप लिख सकते हो साथ में, ठीक है। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट 5 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब यू बाय चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स बिलो। आपके दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको वो वर्ड्स चूज़ करने हैं इसमें से जो आपको बताते हैं, आपको डिस्क्राइब करते हैं कि आप कैसे हो, किस टाइप के हो। तो इनमें से हम कुछ वर्ड्स चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि आई एम स्मार्ट, आप एक स्मार्ट बच्चे हो। तो हम लिख सकते हैं आई एम करके, पहले हमको आई एम लिखना है, उसके बाद हमको लिखना है स्मार्ट। तो पहली थिंक आप लिख सकते हैं आई एम स्मार्ट, तो आपको बस इन सर्कल्स में लिखना है स्मार्ट, ठीक है। और आप नेक्स्ट चीज़ जो आपको अपने बारे में आप लिख सकते हैं, आप काइंड हैं, साथ साथ आप लिख सकते हैं आप हार्ड वर्किंग हैं, साथ में आप लिख सकते हैं आप हार्ड वर्किंग हैं। और नेक्स्ट आप लिख सकते हैं आप शाइनी हो, एनीथिंग जो आपको अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थिंक एंड राइट योर स्ट्रेंथ बिलो, पिक एंड चूज फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। तो आपको यहाँ पे लिखना है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब आपकी क्या चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छा इंसान बनाती हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, आई एम ऑनेस्ट, तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप लिख सकते हैं ऑनेस्ट, आप ऑनेस्ट हैं, आप ऑनेस्ट हैं, तो ऑनेस्ट लिख देते हैं यहाँ पे। आप ऑनेस्ट हैं, आप काइंड हैं, तो काइंड लिख सकते हैं। इनमें से आपको कोई भी 5 चूज़ करके लिखने हैं। आप फ्रेंडली हैं, आप बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं किसी से भी, या आपकी पावर है एक। और आप, और साथ में आप केयरिंग हैं, आप सबकी केयर करते हैं, ये सब आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, CARING, केयरिंग। और साथ साथ में आप एक और लिख सकते हैं कुछ, जैसे आप हेल्पफुल हैं, आप सबकी हेल्प करते हैं, HELPFUL, फुल, हेल्पफुल। और हमारा इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है राइट डाउन 3 थिंग्स दैट मेड यू स्माइल टुडे। मतलब आपको 3 चीज़ें लिखनी है जिसने आपको आज खुश किया है। तो आप लिख सकते हैं टुडे आई हैड प्लेड विथ माई कज़न्स, कि आज मैंने अपने कज़न्स के साथ खेला था। आप लिख सकते हैं दूसरी थिंग टुडे माई मदर कुक्ड माई फेवरेट फूड, आज मेरी मम्मी ने मेरा पसंदीदा खाना बनाया। और तीसरा आप लिख सकते हैं टुडे आई फाउंड माई लॉस्ट वॉच, आज मैंने अपनी खोई हुई वॉच पाई है। आपको ये हम बोल कर बता रहे हैं, आगे हम आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के। तो बच्चों, आपके वर्कशीट नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर ये रहे। आपको एज इट इज़ आंसर ऐसे ही उतार लेने हैं। ये रहा आपका पहला आंसर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अभी
जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी ही वीडियो आगे भी हमारे चैनल पर प्रोवाइड होती रहेंगी। थैंक यू।